आज दो धारा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो नेपाल के पार्ट टू ब्लॉग में अब मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। और जो लोग मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर अभी नए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस ब्रिज का जो रोप है, वायर रोप, वो नीचे को है, तो बाइक नहीं निकल पाएगी। और ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ पर ये कोई रोड नहीं है, दोनों साइड में मिट्टी है और दोनों साइड में स्लोप जैसा बना हुआ है, तो काफ़ी रिस्की है और पत्थर भी बहुत हैं। तो बाइक को घुमाकर और नीचे से होकर काफ़ी मतलब मशक्क़त करने के बाद हम दूसरे साइड में पहुँचेंगे और वहीं से फिर हम ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे। आ जाएगा। आगे लेके हाँ यार, अभी तो गाड़ी आई थी, फोर व्हीलर के इधर से आई थी। क्या हूँ देख के आऊँ, वहाँ से चढ़नी चाहिए यार। ये फोर व्हीलर कहाँ से आई? ये फोर व्हीलर तो कहीं से आई होगी, ये भी तो रुक जाए। यहाँ से बाइक लेके जाना सही है क्या? क्यों नहीं चढ़ेगा? क्या देख रहे, अच्छा खा रहा है, सही चढ़ेगा है? बुलेट क्यों नहीं चढ़ेगा? तो भी तो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं दो धारा सस्पेंशन ब्रिज पे। ये ब्रिज पे ही है, ये पुल के नीचे आप देख सकते हैं ये नदी बह रही है जिसका नाम महाकाली नदी है। ये नेपाल के पश्चिम में महाकाली नदी पर लगभग 1496 मीटर लंबा ये ब्रिज बना है। और इस ब्रिज का नाम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो धारा चांदनी सस्पेंशन ब्रिज, दो धारा इसलिए क्योंकि यहाँ पर महाकाली नदी दो धारा में बट जाती है, तो इसलिए इसी नदी के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया है। तो काफ़ी शानदार हो, काफ़ी भीड़ लगी हुई है इस खाली मतलब ब्रिज पे घूमने के लिए, ब्रिज को देखने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं और ज़्यादातर लोग इंडिया के ही हैं और कुछ नेपाल के भी हैं। नेपाल के जो एक कोने पे रहते हैं दूसरे एंड पे, वहाँ से भी लोग आए हैं और काफ़ी दूर दूर के भी लोग हैं, बाहर के भी लोग लग रहे हैं, इंडिया के बाहर के भी लोग हैं, नेपाल के बाहर के भी लोग हैं। तो काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी मतलब अमेजिंग व्यू है। इस ब्रिज को बनाने के लिए स्टील की वायर रोप्स और मेटल की थिन रॉड का इस्तेमाल किया गया है और इस ब्रिज की जो चौड़ाई है वो लगभग 1.5 मीटर है। लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ब्रिज के दोनों तरफ बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरह से वायर रोप्स का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ से जो व्यू है नदी का, और पूरा शांत, मतलब दूर दूर तक खाली कुछ नहीं दिख रहा, बस नदी और काफ़ी दूर पर पेड़ दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अभी लगभग सनसेट का टाइम हुआ है, आप देख सकते हैं। वैसे तो हमारे इंडिया में भी इस तरह के झूला पुल बहुत से हैं, मैं उत्तराखंड में रहता हूं तो हरिद्वार ऋषिकेश साइड में भी ऐसे ब्रिज बने हुए हैं,
लेकिन नेपाल में ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर सबसे लंबा ब्रिज यही है नेपाल में। अगर आप में से कोई यहाँ पर आना चाहता है इस ब्रिज पे नेपाल में देखने के लिए तो बहुत ही आसानी से आप आ सकते हैं। नेपाल के महाकाली नदी के ऊपर बना हुआ है ये ब्रिज और कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप जीपीएस मैप की सहायता से या यहाँ के लोगों से पूछकर आप बड़ी आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, 5:30 बज गए और सनसेट भी हो गया। सनसेट के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है क्योंकि काफ़ी अमेजिंग व्यू आता है यहाँ पे सनसेट के टाइम पे। और ब्रिज तो आपने देखा ही, ये जो ब्रिज है ये इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है जो कि बनबसा में पड़ता है वहाँ से ये ब्रिज लगभग 10 किलोमीटर है, यानी कि नेपाल में इधर से बनबसा के रास्ते से, बनबसा वाले बॉर्डर से नेपाल में ये ब्रिज सबसे पास पड़ता है, जो कि बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्रिज है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए इस ब्रिज को। और भी बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे प्लेसेस हैं घूमने वाले, टूरिस्ट प्लेसेस, बट वो बहुत ही दूर पड़ जाता है हमारे बॉर्डर से, बनबसा वाले बॉर्डर से लगभग 700-750 किलोमीटर पड़ जाता है। तो वहाँ के लिए फिर कभी, आज का तो ब्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।